अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। आज हमारा ये MS Word का 9th पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में, यानी अगर आप कोई बुक तैयार किए हुए हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं जिसके अंदर आप एक ही वर्ड को कई जगह इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह पे कुछ दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब उस वर्ड को ढूंढ के उसको रिप्लेस करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है और बहुत मुश्किल भी है। अगर आप पूरी बुक में एक ही बार में उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह पे कुछ दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये कैसे किया जाता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिबन बार है। रिबन बार के सबसे लास्ट में यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक फाइंड का और दूसरा रिप्लेस का। तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है अभी हम इसमें आपको प्रैक्टिकली यूज़ करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड पे क्लिक करते हैं जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F। जैसे आप इस पर माउस के ज़रिए से क्लिक करते हैं तो इसका ऑप्शन खुल करके आता है। अगर आप शॉर्टकट की कंट्रोल F भी दबाएंगे तो वही ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो चलिए हम फाइंड पे क्लिक करते हैं। जैसे फाइंड पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। अगर आप MS Word 13, 10 या 7 यूज़ करते हैं तो उसमें इसका ऑप्शन कुछ अलग रहता है। जैसे हम अभी इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ गया खुल करके सर्च करने का, ढूंढने का, यानी कौन सा वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप MS Word 13, MS Word 10 या MS Word 7 यूज़ करते हैं तो उसमें जैसे आप फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है टाइप करने का कि आप कौन सा वर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, कौन सा वर्ड ढूंढना चाह रहे हैं। तो उस वर्ड को आप टाइप करते हैं, उसके बाद ऑप्शन आता है क्लिक करने का नेक्स्ट पे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तब वो वर्ड आपको फाइंड करके ढूंढ करके दिखाता है कि वो वर्ड कहाँ पर यूज़ किए हैं। लेकिन MS Word 16 उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो वर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं, जो वर्ड आप ढूंढना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे बगैर कहीं पे क्लिक किए हुए, वो वर्ड जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा उस वर्ड को वो हाईलाइट करके आपके सामने दिखा देगा कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे वो वर्ड टाइप कर लेते हैं जो वर्ड हम ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट टाइप किए हैं तो ये जहाँ जहाँ माइक्रोसॉफ्ट हमारा है वहाँ वहाँ ये हाईलाइट होकर के आ गया। देखिए यहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट हम यूज़ किए हैं, दूसरा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट लिखे हुए हैं। तो ये जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा है। अगर आप MS Word 16 के अलावा कुछ दूसरा यूज़ करते हैं तो उसमें इस तरीके से नहीं दिखाता है, बल्कि उसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑप्शन आता है। तो वो ऑप्शन इसमें भी है, अभी हम वो भी आपको यूज़ करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जिस वर्ड को हम फाइंड करना चाह रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि ये वर्ड कितनी जगह पे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखा रहा है रिजल्ट 9, यानी 9 जगह पे 9 बार हम इस वर्ड को यूज़ किए हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, तो वो पूरा सेंटेंस यहाँ पे उस वर्ड का दिखा रहा है। तो जिस वर्ड को आप ढूंढेंगे तो इसमें पूरा सेंटेंस दिखाएगा कि वो वर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है। अब हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया है एडवांस फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो चलिए हम एडवांस फाइंड पे क्लिक करते हैं तो अब देखिए ये ऑप्शन खुल करके आ गया जो दूसरे MS Word में दिया हुआ है, जैसा कि MS Word 13, MS Word 10 और MS Word 7 वगैरह में। तो जो जिस वर्ड को आप ढूंढना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करते हैं, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, वो वर्ड आपको दिखाता है कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर आप यहाँ से जब सर्च करते हैं तो जितनी जगह पे है पूरा का पूरा एक ही बार में दिखा देता है, लेकिन जब यहाँ से सर्च करते हैं तो एक एक करके दिखाता है। आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे वो आगे दिखाता जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टाइप किया हुआ, जैसे हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ है देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ दिखा रहा है। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद दिखाएगा, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ भी टाइप किया हुआ है, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे वो आगे दिखाता जाएगा, जहाँ लास्ट होगा वहाँ पे देखिए आप दिखा रहा है कि अब इसके बाद नहीं यूज़ किया गया, बस इतना ही है। तो फाइंड नेक्स्ट का इस तरीके से एक एक करके दिखाता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो जितनी जगह पे है वो हर एक को हाईलाइट कर देता है ताकि आप आसानी के साथ उसको देख पाएँ। ये है फाइंड का इस्तेमाल जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F। जैसे आप कंट्रोल F दबाएंगे ये ऑप्शन खुल करके आ जाएगा जहाँ से आप उस वर्ड को, जिस वर्ड को भी आप ढूंढना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, आसानी के साथ उसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिप्लेस का, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल H। रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल H।
रिप्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि देखिए अभी हम आपको फाइंड करके दिखाएं माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट हम जहाँ जहाँ यूज़ किए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया कि 9 जगह हम यूज़ किए हैं, और उस माइक्रोसॉफ्ट को हम चेंज करके उसके जगह पे हम सिर्फ शॉर्ट में एमएस ऑफिस या एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट इस तरीके से लिखना चाहते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे दिखा रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, यानी हर जगह माइक्रोसॉफ्ट पूरा लिखे हुए थे। अब उसको हम चेंज करके सिर्फ एमएस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए रिप्लेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई बुक तैयार किए हुए हैं जिसमें आप किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से उस वर्ड को ढूंढ ढूंढ के उसके जगह पे दूसरा वर्ड इस्तेमाल करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। तो आप फाइंड एंड रिप्लेस में आकर के उसको एक ही बार में पूरी पूरी बुक में उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि देखिए फाइंड में हम लिख देते हैं, यानी जिस वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं उसको ऊपर वाले में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड व्हाट, यानी अब ये वर्ड हमारा इसमें यूज़ किया हुआ है तो इस वर्ड की जगह हम दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो जिसको हम चेंज करना चाहते हैं वो ऊपर लिखेंगे, और चेंज करके जो वर्ड हम यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, देखिए एम एस, यानी माइक्रोसॉफ्ट की जगह हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में उसको यूज़ करना चाहते हैं एमएस। अब हम जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक जगह चेंज होगा, यानी जब हम अभी चेक कर रहे थे सबसे लास्ट में हमारा कर्जर था माइक्रोसॉफ्ट यहाँ यूज़ किया गया है, तो अब अगर हम रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो वो एक ही जगह पे चेंज होगा। अगर हमको पूरी बुक में, पूरे डॉक्यूमेंट्स में उस वर्ड को चेंज करना है तो रिप्लेस ऑल पे करेंगे। तो अभी देखिए हम जैसे रिप्लेस ऑल पे करते हैं, अब हम ओके करते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था वहाँ वहाँ एमएस वर्ड हो चुका है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ था तो अब एमएस हो चुका है। अब यहाँ भी देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट लिखा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब में माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था। अब देखिए पूरा का पूरा एमएस हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट जगह, अब हम एमएस सर्च करते हैं तो अब देखिए जहाँ जहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ था ये देखिए पूरा आ गया है 9 जगह पे, जो रिजल्ट में यहाँ पे 9 दिखाया था, 9 जगह माइक्रोसॉफ्ट यूज़ किए थे, अब 9 जगह पे एमएस हो चुका है। देखिए एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस पूरा पूरा ये सेंटेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए पूरा हाईलाइट करके दिखा रहा है कि ये पूरा पूरा एक ही बार में चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप पूरी पूरी बुक में, पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स में किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो एक ही बार में पूरी बुक में उस वर्ड को चेंज करके उसकी जगह पे दूसरा वर्ड आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है गो टू का। गो टू अगर आप कई एक पेज है, अब किसी खास पेज में जा करके वहाँ पे सिर्फ उस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पेज पे है, देखिए सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, तो इसको सिलेक्ट करके आप डायरेक्ट उस पेज पे, उस लाइन पे जा करके आसानी के साथ उसको चेंज कर सकते हैं, उसके लिए गो टू का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि फाइंड का शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ और रिप्लेस का शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। जैसे देखिए अभी हम कंट्रोल एच दबाते हैं तो ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ चुका है। जिस वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं वो ऊपर में टाइप करेंगे और चेंज करके बाद में जो वर्ड को आप ऐड करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रिप्लेस पे करेंगे तो सिर्फ एक जगह पे चेंज होगा। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अस्सलामुअलैकुम।